प्रणाम दीदी। प्रणाम भाईजी। की कर रहल छी दीदी? भाईजी गाय के कनी सानी बोझ रहल छी। अच्छा, कतय लिया भाईजी? दीदी हम अहीं से भेंट करय लए अयलहुँ। काल्हि खुना क्लस्टर मीटिंग में गेल छलहुँ तो वहाँ पता चलल कि अहाँ के बारे में जो बहुत अच्छा से खेती करै छियै आ नया नया तकनीकी के बारे में अहाँ के जानकारी अछि, तो हम वएह सोचलहुँ जाइ छी अहाँ से भेंट कर लिए लेल आ किछु अहाँ से सीखी। अच्छा हाँ भाईजी, क्या अपने सिखा देव? मिनट रुक जाइयो भाईजी। हाँ दीदी। हम सरसों बीज के उपचार करे छे। अच्छा, केना के उपचार करे छे से अहाँ देख लेबे। आई यहाँ सरसों बीज उपचार करे छे? हाँ भाईजी, सरसों बीज उपचार करे छे। सरसों के मतलब जे बीज उपचार होय छे? हाँ भाईजी, हम सब हम जत्ते खेत में अहाँ के बीज उपचार करे छे। अच्छा, यानी हर फसल के यहाँ सब बीज उपचार करे छे? हाँ हाँ हाँ। चलो तो बहुत अच्छा बात है। हाँ भाईजी, सब बीज के उपचार करे छे। चलू दीदी, तब तो एक काज करे छी जे आई तो हम आप जे है अहाँ के चीज केना उपचार करे छी उ सारा चीज हम देखिए ले छी। ठीक है भाईजी, चलू हम देखा दे। चलू दीदी। तो चलू भाईजी। दीदी भाईजी के प्रणाम। हमारा नाम गिरिजा देवी, लक्ष्मी जीविका स्वयं सहायता समूह के हम अध्यक्ष छी, गुलाब जीविका ग्राम संगठन के हम उपाध्यक्ष छी, घर पोखर शाम, जिला मधुबनी, प्रखंड पंडोल। देखियो भाईजी। हाँ दीदी। आप कौन सामान सा में बीज उपचार में लगते से पहले देख लियो। अच्छा, मतलब सामान सब जो है लगे छे ते के बारे में हमरा बताओ। हाँ देख लियो भाईजी। ठीक है दीदी, तो हमरा बता दिए में कौन कौन सामग्री लगे छे। हाँ बता दे छी भाईजी। देखियो भाईजी, सरसों के बीज है, अहाँ तो बुझते छे। हाँ दीदी, पियर का है ते सरसों बीज है। हाँ भाईजी। ठीक है दीदी। आ अहाँ के गुड़ भ गेल। हाँ हाँ। जैविक खाद भ गेल। अच्छा। सुसुम पानि भ गेल। ठीक। गाय के गोत भ गेल। अच्छा। बीजा रक्षा भ गेल, माटी के बर्तन भ गेल। अच्छा, मतलब सब सामग्री से जे छे। हाँ भाईजी, बीज उपचार करे छे। अच्छा ठीक है दीदी, तई तो बुझ गेलिए। हाँ। आप कनी हमरा जे छे ऐ सब के बारे में जे है। हाँ। जे बता दिया जे सब सामग्री किया दे छे। अच्छा दीदी, सामग्री के बारे में हमरा बतलिए, अब हमरा बताओ जे में सुसुम पानी जे है से कहला पड़े छे आ ऐसे की लाभ है? सुसुम पानी एहि दुआरे है भाई जी। हाँ दीदी। जे साल भर जे सरसों के बीया घर में रखे छे ना, तो में पोपड़ी पड़ जाए है। अच्छा। तै दुआरे ओ गरम सुसुम पानी एहि दुआरे है जो में जे डालबे ना तो सबटा पोपड़ी से अलग जेते। अच्छा। अलग गेला के बाद में से बीया अंकुरे में लेट नहीं लगते, वो बीया बनिया से अंकुर जेते, या जे खराब रहते वो अपने छटा जेते। अई बारे में तो हम बुझ गेलिए कि मतलब जे सुसुम पानी किया देल जाय छे, अब हमरा बता दिया कि गुड़ जे है एकरा किया दे छे आ ऐसे की लाभ है? गुड़ एहि दुआरे है भाई जी। हाँ दीदी। जे अइ में जे अहाँ के सुसुम पानी में जे देबे। अच्छा। तो सरसों जे साल भर घर में रही है। अच्छा। ओकर ताकत मिल जेते। अच्छा, मतलब गुड़ के देवे से। हाँ। मतलब सरसों में ताकत मिल। हाँ, ताकत मिल जेते। एकरा अहाँ के अंकुरे में लेट नहीं लगते। अच्छा। ओ जल्दी अंकुर जेते। अच्छा, मतलब एकरा ऐ के कारण जे है जल्दी अंकुर। हाँ भाई जी। हाँ। तो मतलब गुड़ से जे है फायदा। हाँ फायदा है। अच्छा, तो अब हमरा बता दिए दीदी। हाँ। कि जे जैविक खाद अहाँ जे बतलिए। हाँ। एकरो बारे में हमरा बता दिए जे किया दे छे। गुड़ जैविक खाद एहि दुआरे दे छी भाई जी। हाँ दीदी। जेकरा और ताकत मिल जेते। अच्छा। ताकत भेला के बाद में ओकरे में। अच्छा। से बढ़िया ताकत मिलते तो ओकरे में बढ़िया गाछ निकलते। अच्छा। एकदम से भोगगर निकलते गाछ। अच्छा, मतलब एकरा अहाँ जे अथी क के जे देबे। हाँ। ऐसे मतलब जे गाछो भोगगर। हाँ हाँ हाँ। और मतलब जे है एकरा ताकत मिल जेते। ताकत मिल जेते। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। देखियो भाई जी, गाय के गोत है। अच्छा। एकरा से भाई जी बीज उपचार केला से। हाँ। कोनो रंग के बीमारी नहीं धरे। अच्छा, मतलब गाय गोत से जे है बीज उपचार केला से जे है कोनो रंग के बीमारी नहीं धरे। अच्छा, जे अगर बीमारी नहीं धरते। हाँ। तो मतलब जे बिया जल्दी अंकुरते। हाँ, गाछ फोगर हेते। अच्छा। आ जब गाछ फोगर हेते तो ओकर फसल बढ़िया हेते, उपज ज्यादा हेते। अच्छा, तो बहुत नीक है। हाँ भाई जी, बहुत नीक है। अच्छा दीदी,
अहाँ जे बतलिए जे बीजा रक्षा है, हाँ भाई जी, एकरा पुड़िया बना कर रखले छे, बाकी सबके जे खोलले छे, हाँ, एकरा पुड़िया बना कर रखलिए, और ऐसे की लाभ होइ छे? देखियो भाई जी, हाँ दीदी, एमे बीजा रक्षा है तो एक प्रकार के जहर हुई है। अच्छा है, मतलब जहर भी? हाँ भाई जी, ते दुआरे सावधानी से रखे छे। अच्छा, वही लेकर पुड़िया बनाकर रख? हाँ हाँ भाई जी। अच्छा तो देखियो भाई जी, हाँ दीदी, ये बीजा रक्षा देला से, हाँ, से फफुंदी जो हुई है, अच्छा, से फफुंदी नहीं लगते। अच्छा, बिया में फफुंदी नहीं नहीं धरते। अच्छा, और अहाँ के चुट्टी पिपरी सोहो नहीं लगते। अच्छा, मतलब खेत, मतलब जे खेत में जे देवे तो चुट्टी पिपरी खा जाते रहले? हाँ, से नहीं खेते। अच्छा, आ एक एकरा देला के से अहाँ के से वो लाहियो नहीं धरते। अच्छा, मतलब लाहियो नहीं धरते? नहीं भाई जी, लाहियो नहीं धरते। तब तो बहुत अच्छा चीज है दीदी। हाँ भाई जी, बहुत सुंदर चीज है। ये बर्तन है भाई जी। अच्छा, एमे बीज उपचार करबे? अच्छा, एमे बीज के उपचार? हाँ भाई जी, ठीक है दीदी। आ ई जे है, हाँ, से ई गाय के गोत जे है, हाँ, एमे नाप कर देबे। अच्छा, मतलब ई नापे के लेल, मतलब जे है ई भेले? हाँ, ई भेले, ई धिया पता के जे दवाई पीबे छिए। अच्छा, वह मुन्ना भेले। तो मतलब नपो अहाँ के बड़ चिकन रखले? हाँ भाई जी, बड़ सुंदर है। अंदाज में तो पता न चलत की कम पड़े या ज्यादा पड़े। हाँ भाई जी, ऐसे तो मतलब जो दे देवे। ठीक है दीदी, चलो तो बड़ चिकन बता दिलिये। सामान और के बारे में तो अहाँ के भाई जी बता दिली। हाँ दीदी, तो बता दिली कि सामग्री कौन कौन लगे छे, कौन कौन लगे है। हाँ दीदी, और तो अब हम केना के बीज सब उपचार करबे? अच्छा, तो आप से अहाँ देख लियो। अच्छा, बीज उपचार अब केना करबे से कनी अब? अब अहाँ देख लियो। ठीक है दीदी, तहाँ करियो तो देख लियो भाई जी। देखियो भाई जी, ई 400 ग्राम सुसुम पानी। अच्छा, ई सुसुम पानी भेले? हाँ भाई जी। अच्छा, तो सुसुम पानी है तो ई ठारे मारल पानी है। अच्छा, मतलब ठारे मारल पानी होके चाहिए? हाँ हाँ, यानी न ज्यादा गरम, हाँ, न ज्यादा ठंडा, हाँ, यानी कि एकदम, हाँ, ठार कनी मर गेल से पानी। तो कनी हम देख लेते हैं। देखियो भाई जी, औरी दे के देख लियो। हाँ दीदी, तो बहुत अथी से है, मतलब जो है ठार मरल है। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, आई में दे छे भाई जी 400 ग्राम सुसुम पानी। अच्छा, देखियो भाई जी, ये 200 ग्राम सरसों के बीज है। अच्छा, 200 ग्राम? हाँ, ताई में ये डाले छी। अच्छा, तो देखियो भाई जी, एमे जे बीज मिठुर होता है, अच्छा, से वो बैठ जाते। अच्छा, आ जे बीज अहाँ के फोकला है, हाँ हाँ, से वो अलग जाते। अच्छा, मतलब जे अच्छा बीज रहते से नीचा पानी के तार में बैठ जाते? बैठ जाते, हाँ, ठीक है। हाँ, देखियो भाई जी, जे बनिया बीज छले, मिठुर बीज छले, हाँ दीदी, वो बैठ गेले। अच्छा, वो तो देखिए रहल छी जे बैठ गेले। हाँ, आ ई जे देखै छियै छताई है, हाँ हाँ, वो सबटा खराब बीज है। अच्छा, यानी ई सब भ गेले फोकला बीज? हाँ, फोकला बीज भ गेले। तो ई अहाँ के छता गेले, ओकरा छानि के हटा देल जेते। आ ऊ जे देखै छियै, ओ से सबटा बमरिया। अच्छा, बीच में जे है से बिमरिया बीज? हाँ हाँ भाई जी। अच्छा, तो ओकरा की करबे दीदी? तो एक अहाँ छानि के हटा देबे। हाँ हाँ, आ ओहो जे छन छन का, अच्छा, से वो हट जते। अच्छा, बाद में निरोग भी जे से नीचा में रहे? हाँ, जे निरोग है से नीचा में रहते। अच्छा, ये तो, अच्छा, ये बताओ दीदी, जे 200 ग्राम बीज जे भले, हाँ, ये क्या कथा के ले ले? ये एक एकड़ के है भाई जी। अच्छा, ये एक एकड़ के ले 200 ग्राम? हाँ हाँ हाँ, हाँ दीदी, ये तो हम सब जे 100 ग्राम कट्ठा पर दे छे, तो वही हिसाब से तो 1 किलो 2 किलो एकड़ में लगे छे दीदी? नहीं भाई जी, ये हम 200 ग्राम एक एकड़ में दे छे। 200 ग्राम में एक एकड़ छे? हाँ 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 भाई जी, बहुत अच्छा है दीदी। हाँ, देखिए भाई जी, हाँ दीदी, जत्ते फोकला बीज है, हाँ, ओकरा सबटा, अच्छा, हटा दे, हटा दे छे। ठीक है दीदी। देखियो भाई जी, हाँ दीदी, 50 ग्राम से ये गुड़ है। अच्छा, से ये बीज में मिले? अच्छा, एकरा मिलावे? हाँ भाई जी, ठीक है दीदी। देखियो भाई जी, जो भी खाद है, अच्छा, एमे एकरा डाले छे। अच्छा, मतलब एकरा डाले से जे है, एकरा जे है भोजन मिलते? भोजन मिलते खूब ताकत। अच्छा, ताकत एकरा से बीज के भेट गेल। अच्छा, यानी गुड़ आ जैविक खाद देला से एकरा ताकत मिलते? हाँ, ताकत, ताकत जे मिलते तो एकरा जे है ओकरा में समय नहीं लगते, जल्दी अंकुर जेते। चलो दीदी, अब तो एकरा फायदों के बारे में हम बता देले छी, तो हमरा दिक्कत न हो रहले बुझे में। हाँ, देखियो भाई जी, हाँ दीदी, ई मुन्ना है। अच्छा, आ ई यहाँ के गाय के गोत है। अच्छा, त
अहाँ के 10 ml। अच्छा 10 ml के मुन्ना भेले। हाँ हाँ। अच्छा तो एकरा कै बेर देबे दीदी? ई 5 बेर देबे भाई जी। अच्छा ई 5 बेर देबे? हाँ। तो 5 बेर देबे तो कते होते दीदी? ई 5 ml देबे तो 5 ml होते मतलब 50 ग्राम। अच्छा ई 50 ग्राम भेले। हाँ हाँ हाँ। अहाँ के हिसाब तो बड़ चिकन रखने नपा, ओकरा 5 बेर देबे, 5 बेर देला से 50 ग्राम पूरि जाते। हाँ हाँ। तो हम हिसाब बड़ चिकन रखने छी। ई 50 ग्राम भ गेल। ठीक है दीदी। अब एमे तो सब कुछ मिला दिलिये भाई जी, से तो देखिए लेलिए। हाँ हाँ। तो अब एक छाया जगह पर, अच्छा छायादार जगह पर जका 4 घंटा के लेल से धो दे छी। 4 घंटा लेल दीदी? हाँ भाई जी। अच्छा दीदी ये बताबियो तो ये 4 घंटा लेल एकरा कैले रखबे? देखियो भाई जी। हाँ दीदी। ई 4 घंटा के लेल जकरा छायादार में धो दे छिए तो जत्ते ई सबटा मिललिए या से एकरा भोजन देलिए। अच्छा एकरा भोजन देलिए? हां भाई जी। अच्छा तो ई भोजन जे एकरा पड़ते ई ताकत भर बढ़ जाए। अच्छा एकरा ताकत मिलते ओकरे में जल्दी से ना। अच्छा अति अकुड़ जते। अच्छा अच्छा दीदी अहाँ कहलिए सब सामग्री मिला देलिए लेकिन ई बीजा रक्षा है जकरा न देलिए एकरा कखनी देबे ओहिमे? देखियो भाई जी। हाँ दीदी। ई बीजा रक्षा के हाँ। से 4 घंटा के बाद। अच्छा से एकर काम होते जखन ओ छनबे। अच्छा यानी 4 घंटा के बाद जे है। हाँ एकरा छनबे। हाँ हाँ तकर बाद एकर प्रयोग। हाँ तकर बाद प्रयोग होते एकर। अच्छा गिरिजा दीदी, गिरिजा दीदी। हाँ भाई जी। अच्छा टाइम तो हो गया दीदी 4 घंटा। हाँ भाई जी आओ आओ हम ओकरे निकाले ला विदा भेल छी। ठीक छे दीदी तब हम बैठे छी त त बैठो। ठीक छे त देखियो भाजी। हाँ दीदी। 4 घंटा पूरि गेले। अच्छा आब एकरा से सूती कपड़ा है। अच्छा तो एकरा बिछेबे। अच्छा आई पर हाँ। से छैन क एकरा देबे। अच्छा तो दीदी सूतीये कपड़ा कैला जरूरी है? ई सूती कपड़ा आई दुआरे है भाई जी जे ई दी सरसों जे छैन कै पर देबे ना हाँ। तो पानी सोख लेते। अच्छा देखियो भाई जी। हाँ दीदी। एकरा छैन क है। अच्छा से सूती कपड़ा पर दे के। अच्छा तो दीदी एकरा पसा देबे त नै होतै? नै भाई जी एमे जो गुड़ सब जे मिललिए है ना से और लसलस करते पसा देबे त आ ओना जे सिर्फ छाइन दे छै हाँ। ओ लसलस नै करते ओ बीज फरहर भ जते। अच्छा या देखियो भाई जी। हाँ दीदी। आब एकरा पसार दे छिए। अच्छा पसार दे छै दुआरे जे ई रुख भ जते। अच्छा ई रुख हो जते? हां ई रुख भ जते। अच्छा आ एकरा रुख भेला के बाद में जे ऊ बीज में बीज सटते नै। अच्छा मतलब ई बिया में फरहर हो जते। हां फरहर भ जते दुआरे एकरा जे कनी पसार देले। हां पसार देले जे ई बिया में बिया सटते नै। अच्छा ठीक है दीदी। हां अच्छा दीदी ई जे अहाँ पसार लिए है। हाँ भाई। एकरा कते देर तक पसार ले छोड़बे? एकरा 10 मिनट भाई जी एकरा पसरल छोड़बे। अच्छा 10 मिनट छोड़ देबे? हाँ हाँ। तो 10 मिनट में जे ई फरहर हो जाए? फरहर भ जेते। ठीक है दीदी। देखियो भाई जी। हाँ दीदी। आ फरहर भ गेले? हाँ दीदी अभी तो फरहर। हाँ तो कनी देख लियो भाई जी फरहर है। हाँ दीदी। हाँ देख लियो कुछो ने एकदम मतलब जे एकदम बिया से मतलब जे एकदम अब हट गेले। हाँ हाँ एकदम हट गेले एकदम फरहर भ गेले। ठीक है दीदी। देखियो भाई जी। हाँ दीदी। आब एकरा समटै छी। अच्छा एकरा समिटबै? हाँ त हम ओय कता से हाँ समय गेले। हाँ ठीक है आब हाँ आब एमे भाई जी बीज आर अच्छा मिलेबे। अच्छा एमे बीज आर अच्छा? हाँ हाँ ठीक है दीदी। देखियो भाई जी। हाँ दीदी। ई बीज आर अच्छा है। अच्छा एकरा त ई पहिले कहने रही हाँ। जे ई अहाँ के जहर होय। अच्छा ई जहर होय छै बतेने छी। हाँ जहर होय है त आब ई दस्ताना जे खरीदबे तो त पाई से होते। हाँ हाँ। आ ई त अहाँ के सादा जे लबे छै तो पन्नी त घर में रहते है। अच्छा दुकान से जे लबे छै त पन्नी मिल जाय? हाँ हाँ ठीक है। हाँ पन्नी रहे त पन्नी लगा के। अच्छा आ एकरा साहा के मिला देबे। अच्छा क्यों भाई जी? हाँ दीदी। आब में बीज आर अच्छा मिला देलिए। हाँ आब अहाँ के। अच्छा से ई खोल क। अच्छा आब अहाँ के से एकरा मोटरी बनबे। अच्छा आब एकरा बांध देबे? हाँ 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 भाई जी एकरा बांध देबे। चलो लिया दीदी हम पकड़ ले छी। हाँ पकड़ लो। अच्छा दीदी एकरा त हम बड़ी कस के बांध देलिए है। हाँ भाई जी अच्छा। आई दुवारे एकरा कस के बांध देलिए या हाँ। जे में अकरम जल्दी हो जते। अच्छा कस के बांधने से मतलब हाँ। जे है में अकरम जल्दी हो जते। हाँ ठीक है दीदी।
अब एकरा भाई जी हाँ दीदी 6 घंटा के लेल अच्छा छायादार जगह पर से एकरा टांग देबे अच्छा 6 घंटा के लेल हाँ भाई जी 6 घंटा के लेल दीदी 6 घंटा लेल कला टांग दे एकरा एना जल्दी सना ओकरन भ जते भाई जी अच्छा ई ओकरे के लेल जे हां 6 घंटा रहना जरूरी हां 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 6 ठीक है दीदी देखियो भाई जी हां दीदी ई यहां के 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद अच्छा सही पर छिड़काव देत रहबे पानी के अच्छा पानी के छिड़काव पड़तै हां ए पर छिड़काव ए द्वार देत रहबे अच्छा जई में यहां के नमीन बनल रहतै अच्छा ओकरे में ओ जल्दी अंकुर जते ठीक है दीदी यानी कि पानी के छिड़काव देबे हां हां अच्छा अब तो यह चीज हम बुझ गेली हां हां ठीक है एकर एकटा आर बात भाई जी हां दीदी जे पर सावधानी रखबे अच्छा कोन चीज के दीदी ए पर देखियो भाई जी पर जे छिड़काव करबे अच्छा पानी के हां पानी के सो ज्यादा पानी नहीं पर पड़ जाए अच्छा मतलब छिड़काव ज्यादा नहीं पर पड़े ठीक है जे ज्यादा छिड़काव पड़ जाए तई बाटे पानी जे टप क तो बीजा अच्छा जे मिलल ये वो सबटा ओई बदने टप है कि नीचा गिर जाते हां गिर जाते त आहा के बीच पर ध्यान दिए पड़ते हमरा जे मतलब पानी उतबे देवे के है जे पानी टप के टप के नहीं यानी नमी बनल रहे बनल रहे हां ई बात तो बहुत नीक पहले बता देली दीदी जे मतलब ए पर हमरा ध्यान दिए पड़ हां 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 ठीक है दीदी पर आहा के एगो आरो बात है हां दीदी जो नीचा में नहीं गिरे अच्छा। जो चुट्टी पिपरी लग जाए मूसा तुसा खा ले वैसे सावधानी रहो अच्छा तई के लिए लगरा खुटी पर टांग ए पर आहा के खुटी पर टांग दे ठीक है दीदी चलो बड़ नीक बात कहलिए हां ठीक है भाई जी ठीक